नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं IS 456 2000 कोड है उसकी समरी का पार्ट नंबर 17। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 17 है और इससे पहले के जो पार्ट है उनकी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 17 है और इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग के बारे में, कि जो फुटिंग बनाई जाती है उस फुटिंग में जो एज होता है उस एज की थिकनेस क्या होती है एज पर IS कोड। देखो, जैसा कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक फुटिंग बनाने की कोशिश करूँ, तो मान लीजिए इस टाइप से आपने कोई फुटिंग बनाई होगी। ठीक है, जैसे इंक्लाइंड फुटिंग आपने प्रोवाइड कर दी है, तो ये इस टाइप से प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये उसका बेस होता है, नीचे सॉइल वगैरह होगी। तो ये जो एज बनाया जाता है, ये एज है इसकी जो थिकनेस है टी, वो कितनी होती है? तो एज पर IS कोड ये 150 mm हो सकती है मिनिमम, इससे ये कम नहीं हो सकती है। केस नंबर वन, ये केस नंबर वन है। लेकिन अगर ये फुटिंग डायरेक्टली सोइल पर रेस्ट ना होकर किसी पाइल पर हो, केस नंबर टू, अगर ये पाइल के ऊपर हुई है, यानी पाइल कैप के रूप में है, ठीक है ना, पाइल कैप के रूप में है, पाइल कैप के ऊपर है, तो उस केस में ये जो थिकनेस है मिनिमम वो 300 mm होती है। कितनी होती है? 300 mm होती है, ऐसा हमारा कोड कहता है। कोड IS 456 2000 ये बोलता है कि आपका जो एज है, ठीक है ना, वो एज कितना होना चाहिए? वो एज हो सकता है एक तो 150 mm और एक 300 mm। ठीक है, जब पाइल का केस होगा तो पाइल के केस में 300 mm होता है, वरना जनरली नॉर्मल केस में ये 150 होता है। ठीक है, चलिए, एक कंसेप्ट समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा देखो, ये जो फॉर्मूला है ये आपके काम का याद करने लायक नहीं है, बेसिकली डिजाइनिंग का फॉर्मूला। जब आप फाउंडेशन से रिलेटेड, फुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, वहाँ पर ये काफ़ी काम आता है। ठीक है ना, इनकी वैल्यूज़ क्या काम आती है, जैसे यहाँ पर FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई आपकी, QU क्या होता है, QU बियरिंग स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पर सरफेस होता है उसकी, यहाँ पर लिखा हुआ है बियरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल, तो यहाँ पर वैल्यू होती है। अल्फा क्या होता है, अल्फा एंगल होता है, किस डिग्री पर आपका ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ से, इस तरह से। तो ये जब आप क्वेश्चन करोगे ये पेडेस्टल वगैरह के, तब उसके काम का आता है। ठीक है, उसके अलावा जो काम के जो याद रखने लायक जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, देखो ये न्यूमेरिकल करोगे तब काम आती है, लेकिन ये याद रखनी है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर आपसे परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस पूछता है कोई, वर्किंग स्ट्रेस में ध्यान रखना, अगर WSM में कोई मेरे से वर्किंग WSM में अगर कोई मेरे से पूछता है परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, तो मैं बोलूँगा 0.25 FC के। लेकिन अगर कोई बोलता है LSM में कितना होता है, तो LSM होता है 0.45 FC के। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो है ये ES में आया हुआ क्वेश्चन है, ES में पूछा था कि जो बियरिंग स्ट्रेस होता है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट LSM में कितना होता है, तो 0.45 FC के होता है, ये पूछा गया है। और ऊपर वाला WSM वाला भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, क्रैक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, कि जो अपन बिल्डिंग वगैरह बनती है, लिमिट स्टेट जो क्राइटेरिया होता है हमारा सर्विसबिलिटी का, उसमें डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, इनका सबको देखें। डिफ्लेक्शन का तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया, कैसे कंट्रोल करते हैं, L/D रेशियो क्या होता है, किसके लिए कितना होता है। अब बात करते हैं क्रैकिंग, क्रैकिंग कितना कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना हम अलाउ करते हैं। बेसिकली प्रोवाइड तो क्या करते हैं, क्रैकिंग हम जानबूझ कर नहीं देते, आ जाता है क्रैक, तो कितना हम अलाउ करते हैं। देखो, नॉर्मल केस में हम 0.33 mm का क्रैक अलाउ करते हैं, कि हाँ भाई जनरल केस में 0.33 mm का क्रैक आ सकता है। लेकिन अगर टेंशन जोन है, ठीक है ना, अगर टेंशन जोन है, तो टेंशन जोन में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम बोलते हैं वहाँ पर आपका जो अपर लिमिट है क्रैक की वो 0.2 mm होनी चाहिए। पहले हमने बोला 0.3 mm, अब बोल रहे 0.2 mm। लेकिन अगर कोई खतरनाक हार्मफुल जोन है, लाइक सीवियर कंडीशन हो रही है, ठीक है ना, या एक्सट्रीम कंडीशन जैसी पैदा हो जाती है, मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन के बारे में, मैंने बताया था उनके बारे में बात करूँ, जैसे सीवियर कंडीशन वगैरह है, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 0.1 mm की। तो ध्यान रखना कि जब भी आप क्रैकिंग की बात करेगा एग्जाम में, कभी आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए क्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जो क्रैक होता है, तो आपसे अगर कोई पूछ ले डायरेक्टली कि परमिसिबल वैल्यू क्रैक की कितनी होती है, तो क्रैक की परमिसिबल वैल्यू होती है 0.3 mm, डायरेक्टली कोई कंडीशन नहीं बोल रहा है। अगर बोलता है कि टेंशन जोन है, तो टेंशन जोन में 0.2 mm, अगर कोई बोलता है सीवियर केस है, ठीक है ना, तो उस केस में 0.1 mm, ठीक है ना, mm में सारी वैल्यू, तो 0.3, 0.2 और 0.1, तो ये भी आपको याद रखना है, ये काम की चीज़ है, काफ़ी काम की चीज़ है, एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना। जनरल केस वाला 0.3 वाला पूछा गया है, 0.3 वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ये हमको आना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा कि
कैरेक्टर स्ट्रिक्शन ऑफ मटेरियल जो हम बताते हैं एफ सी के, इस एफ सी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एफ सी के बारे में ये कहा जाता है कि कैरेक्टर द टर्म कैरेक्टर स्टिक स्ट्रेंथ मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ब्लो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फॉल. मतलब कि अगर आप जैसे 100 आपने क्यूब हैं उनको टेस्ट किया, 100 क्यूब को टेस्ट करने पर आपने ये पाया कि ओनली ओनली प्रोबेबिलिटी है वो 5% प्रोबेबिलिटी है, यानी 5 आपके ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो जाए उस पर्टिकुलर लोड पर, बाकी 95% जो भी आपके लोड थे वो लोड ले सकता है. जैसे मान लो मैं 20 M20 की बात कर रहा हूँ, M20 ग्रेड की बात कर रहा हूँ, क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि अगर उसके ऊपर 20 N/mm² का लोड आया, 20 MPa का लोड आया, तो इतने लोड पर वो सहन कर लेगा, फेल नहीं होगा, ठीक है ना. तो 95% ऐसे क्यूब थे जिन पर ये लोड आ सकता था और उसको सहन कर लेगा, ओनली 5 ब्लॉक ही ऐसे थे कि ये जो लोड है इस लोड को वो सहन नहीं कर पाए, ठीक है ना. तो ऐसा कुछ प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आपको याद रखना है तो याद रख लेना, बाकी इतना कोई खास नहीं है. बस इतना याद रखो आप कि आपके पास में कैरेक्टर स्ट्रेंथ जो होती है, कैरेक्टर जो आपसे पूछा जाता है एफ सी के बारे में, तो आप ये ध्यान रखना कि एफ सी के बारे में ओनली 5% चांस होते हैं कि ब्लॉक आपका फेल हो जाए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर, ठीक है ना. 5% चांस होते हैं, बाकी 95% चांस होते हैं उस स्ट्रेंथ को सहन कर लेगा, ले लेगा. एक होता है आपका कि जो प्रूफ स्ट्रेस होता है, प्रूफ स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए 0.2% का ऑफसेट वाला मेथड काम में लिया जाता है कि 0.2% का ऑफसेट देते हैं, फिर आप प्रूफ स्ट्रेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं. तो वो कहाँ कैलकुलेट किया जाता है, जब आपके पास में डायरेक्टली यील्ड पॉइंट ना हो, ठीक है ना. जब वाईपी नहीं मिलता, डायरेक्टली यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, तो उसके उसमें 0.2% का फॉर्मूला यूज में लिया जाता है. तो ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा, ये इसलिए मैंने मार्क किया है ताकि आपको पता रहे कि कोड में यहाँ पर गिवन है ये. तीसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड का. लोड के बारे में कहा जाता है कि द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज ए 95% प्रोबेबिलिटी दैट नॉट बींग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर. लोड से मतलब ये है कि जैसे वहाँ पर 5% का क्राइटेरिया था, यहाँ पर 95% का क्राइटेरिया है. कहा यह जाता है कि यहाँ पर 95% प्रोबेबिलिटी है, 95% प्रोबेबिलिटी है कि उतना लोड ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है. और वहाँ पर यह था कि 5% ही चांस है कि कोई चीज़ जो रिजल्ट है वो फेल होगा इससे पहले, नहीं तो फेल नहीं होगा. तो 5% 95% याद रखना, 95% तो लोड के केस में, और 5% जो लेते हैं नंबर वो किसके लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के केस में, कैरेक्टरिस्टिक एफ सी के केस में लेते हैं, बस इतना याद रखो. अब देखो दूसरी चीज़ है जो है जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं. टेबल नंबर 18 काम की देखो आपकी. टेबल नंबर 18 में क्या लिखा गया है कि जो लोड होते हैं लोड का कॉम्बिनेशन बताया गया है, ठीक है ना. क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन बताया गया, कैसे कैसे आप लोड को कंबाइन कर सकते हो. डीएल का मतलब होता है डेड लोड, आईएल का मतलब होता है इम्पोज्ड लोड यानी कि लाइव लोड, डब्ल्यूएल का मतलब क्या होता है विंड लोड, ठीक है. और विंड लोड की जगह पर आप अर्थक्विक लोड भी लिख सकते हो. यहाँ पर अर्थक्विक लोड विंड लोड दोनों अलग अलग नाम है लेकिन एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो आप इसको. एक चीज़ और, कभी भी अर्थक्विक लोड और विंड लोड एक साथ नहीं आते हैं, कभी भी एक साथ नहीं आएंगे. या तो अर्थक्वेक पहले आ जाएगा या विंड पहले आ जाएगी, या एक दूसरे के बाद ही आएंगे, एक आगे पीछे आएंगे, मतलब एक साथ नहीं आते हैं. ऐसा डिजाइन क्राइटेरिया में ऐसा कहा गया है, ठीक है ना. और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि अर्थक्वेक और विंड लोड दोनों एक साथ कभी आ गए हो स्ट्रक्चर पर, बाद में एक साथ नहीं आते हैं. क्या रीज़न है इसके पीछे, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, लेकिन हाँ नेचुरल जो कंडीशंस होती हैं या जो हिस्ट्री में जो पास्ट डेटा हमारे पास उसके हिसाब से ऐसा है, और कोड में भी यही लिखा हुआ है. चलिए अब बात करते हैं कि डेड लोड और लाइव लोड अगर है आ रहे हैं, सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड है, और हम बात कर रहे हैं कोलैप्स लोड की, हम कोलैप्स की बात कर लिमिटेड कोलैप्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पास में जो फैक्टर है वो चलेगा 1.5 का. यानी कि आपको लेना है डेड लोड का 1.5, ठीक है, प्लस 1.5 ही लेना है किसका, लाइव लोड का या इम्पोज लोड का, IL भी बोलते हैं इसको, या फिर डायरेक्टली लाइव लोड LL भी बोलते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास में डेड लोड और विंड लोड आ रहे हो तो उस केस में डेड लोड का आपको 0.9 भी ले सकते हो और 1.5 भी ले सकते हो, दोनों में इसको एक लेना है, जबकि विंड लोड का आपको 1.5 लेना है. ये अलग अलग केस होते हैं कि आपको 0.9 कब लेना है कब लेना है, ठीक है, उसका भी मैं अभी बताऊंगा. अगर आपके डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड आ रहा हो, या विंड लोड की जगह अर्थक्विक लोड आ रहा हो, तो उस केस में ये तीनों क्या होते हैं फैक्टर 1.2 चलता है ऐसे, जैसे 1.2 ब्रैकेट फिर आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, ऐसे करके, मतलब कि तीनों में फैक्टर 1.2 ही चलेगा, जबकि पहले वाले में फैक्टर 1.5 चल रहा था, ठीक है. और बीच वाले में क्या होता है 1.5 या फिर हो सकता है 0.9 और 1.5 चले, ठीक है. अच्छा अब बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के बारे में.
लिमिटेड ऑफ सर्विस ये कहती है कि आपकी जो वैल्यूज है ना डेड लोड लाइव लोड की, वन वन ही होता है फैक्टर, मतलब जो है वही लेना, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेनी है। डेड लोड विंड लोड का तब भी वही लेना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डेड लोड इम्पोज लोड विंड लोड तीनों एक्ट कर रहे होंगे तो उस केस में ये फैक्टर ये चलते हैं तीनों के तीनों। तो आप आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि वन को मल्टीप्लाई करना है डेड लोड से, इसको इम्पोज लोड से, और इसको विंड लोड से, या फिर अर्थक्विक लोड से। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है, कॉम्बिनेशंस के बारे में लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी आ रखा है क्वेश्चन इसके ऊपर, इस पर ध्यान रखना। तो ये कॉम्बिनेशंस कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कोलेप्स जो फ्लेक्सर वाली कंडीशन होती है कोलेप्स में, उसके बारे उससे रिलेटेड है। यहाँ पर एक ग्राफ भी है, ये बहुत काम का है, ठीक है ना। जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं कॉन्क्रीट के लिए, तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कॉन्क्रीट का। स्टार्टिंग में ये पैराबोलिक होता है, फिर बाद में लीनियर बनता है, जिसको रेक्टेंगल भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रेक्टेंगल शेप बन जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, तो पैराबोलिक रेक्टेंगुलर होती है। कैसी होती है? पैराबोलिक रेक्टेंगुलर होती है। और अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज, तो वो होती है 0.0035। जो एक्सट्रीम फाइबर है आपका, ये वाला पॉइंट यहाँ पर कितनी है स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन है 0.0035, याद रखना 0.0035 है। नॉर्मल जो स्ट्रेंथ होती है आपकी वो होती है एफ सी के। जब आप चले जाते हो बिल्डिंग में बड़े स्ट्रक्चर में, तो ये स्ट्रेंथ हो जाती है 0.67 FC के। और जब आप इसके ऊपर डिजाइन की बात करते हो, तो वो जाती है 0.67 FC/γm। यानी कि ये जो स्ट्रेंथ है ये आपकी है डिजाइन स्ट्रेंथ। क्या है ये डिजाइन स्ट्रेंथ है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, और ये आपकी है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के बारे में कैसे बोल रहा हूँ मैं, कि देखो एक तो था क्यूब के ऊपर टेस्ट, कि आपने क्यूब के ऊपर टेस्ट कर लिया, और ये क्यूब के ऊपर टेस्ट, और जब आप बिल्डिंग बनाओगे बड़ी, तो बड़ी बिल्डिंग में और क्यूब में तो बहुत फर्क है, तो ये कुछ ना कुछ फैक्टर चेंज होगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ अगर एफ सी के है, तो बिल्डिंग में जाते ही ये स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, कितनी हो जाती है 0.67 FC के हो जाती है। इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। और जब इसके ऊपर फैक्टर अप्लाई कर दो, जो डिजाइन की बात आ जाती है, तो डिजाइन के केस में क्या हो जाता है 0.67 FC के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है यहाँ पर। अब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है ये भी देख लो अब। तो ध्यान रखना कॉन्क्रीट के केस में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है आपका वो होता है 1.5, ठीक है। और यहाँ पर 0.67 फैक्टर आया है, मैंने क्या बताया है कि जब आप कंप्रेसिव स्ट्रक्चर में जाएगी, स्ट्रक्चर में जाती है वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब स्ट्रेंथ आपकी पहले स्ट्रेंथ एफ सी के थी ब्लॉक में कंक्रीट के क्यूब में, स्ट्रक्चर में जाती है ये वैल्यू हो जाती है 0.67 FC के, ठीक है। और जब डिजाइन करोगे तो डिजाइन केस में और भी दिक्कत हो जाएगी, 0.67 FC के अपॉन 1.5 हो जाएगी, ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है स्ट्रेस डायग्राम जो नीचे बना हुआ है, स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, उसका एरिया कितना होता है, यानी कि स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम उसका एरिया कितना होता है, 0.36 FC के XU होता है, और डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होती है 0.42 XU, यानी कि लीवर आर्म होती है वो इतनी होती है। यानी कि ये जो स्ट्रेस डायग्राम बना हुआ है इसका जो एरिया है उस एरिया की मैं बात कर रहा था, और जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ऊपर से जो डिस्टेंस होगी इसकी यहाँ से, ये कितनी होती है, तो 0.42 XU, वहाँ पर 0.41 XU होती है, वैसे तो ये लिखी हुई ना, ये 0.42 XU एग्जैक्टली होती है 0.416 XU, लेकिन लगभग इसको कोड में क्या ले लेता है 0.42 XU ले लेते हैं हम, ठीक है। एरिया याद रखना, कहाँ पर होती है ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं स्टील के बारे में। देखो कॉन्क्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है, स्टील के लिए होता है 1.5। तो अगर आपसे कोई बोलता है स्टील के लिए कितना होता है, तो 1.15 होता है, स्टील के लिए कम होता है, और कॉन्क्रीट के लिए कितना होता है 1.5 होता है, कॉन्क्रीट के लिए ज़्यादा होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बात कर लेते हैं कि जो टेंशन रेनफोर्समेंट है, उस टेंशन रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेन होगी आपकी, मैक्सिमम स्ट्रेन वो कितनी होगी। भाई कॉन्क्रीट में तो 0.0035 होती है मैक्सिमम स्ट्रेन, स्टील में कितनी होती है, स्टील में होती है इतनी, FY/1.15 ES + 0.002। ये अच्छे तरीके से याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ये कंक्रीट की भी पूछी गई है और इसकी स्टील की भी पूछी गई, तो आपको याद रखना FY/1.15 ES + 0.002। ES क्या है, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ये कोड में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कितनी होती है इसकी वैल्यू, पता होगी आपको, नहीं पता है तो स्टार्टिंग में वीडियो वापस से देखो जाके। उसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट कि जो मैंने स्ट्रेन के बारे में बताया, कंक्रीट में स्ट्रेन कितनी होती है, ठीक है ना, कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन का बताया, लेकिन अगर आपके
किसी स्ट्रक्चर में ओनली एक्सियल कंप्रेशन आ रहा हो, क्या ओनली एक्सियल कंप्रेशन, तो उस केस में स्ट्रेन आपकी 0.002 होती है। ध्यान रखना मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितनी होगी, 0.002 होगी जब ओनली एक्सियल लोड होगा, और जब आपके उस स्ट्रक्चर में एक्सियल लोड हो प्लस बेंडिंग हो, दोनों लोड आ रहे हैं और नो टेंशन, और टेंशन नहीं है, तो इस केस में वैल्यू कितनी होती है, इस केस में वैल्यू होती है 0.0035 माइनस 0.75 ऑफ ई। ई मतलब कि ये होता है यहाँ पर स्ट्रेन होता है, ठीक है ना, स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेशन स्ट्रीम फाइबर, ठीक है ना, कंप्रेस एक्सट्रीम फाइबर जो होगा आपका लीस्ट कंप्रेस एक्सट्रीम फाइबर, उसकी जो स्ट्रेन होगी उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैंने माइनस किया है। तो ध्यान रखना आपके पास में तीन केस हो गए, जब आपके पास में बेंडिंग हो, ठीक है ना, और टेंशन आने के चांसेस हो, तो मैक्सिमम वैल्यू होती 0.0035, जब एक्सियल हो ओनली तो 0.002, और जब आपके पास में एक्सियल हो बेंडिंग हो लेकिन टेंशन नहीं हो तो 0.0035 माइनस 0.75 ई। ये तीन होते हैं केस, और तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब देखो, और अब देखो अब जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जैसे ये चीज़ और बता देता हूँ, ये बेसिकली आपको याद रखनी है, ये तो याद रखनी है क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे डिजाइनिंग के तब आपको पता होना चाहिए। एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी का रेशियो कितना होता है, एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी का रेशियो कितना होता है, तो 250 के लिए होता है 0.53, 415 के लिए 0.48, 500 के लिए 0.46, तो आपको याद रखना ये रेशियो होते हैं। उल्टा होता है 250 के लिए ज़्यादा है 53 है, 500 के लिए 500 ज़्यादा हो गया लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.46, ध्यान रखना ये होती है 0.53, 0.48 और 0.46। चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनके बारे में बता देता हूँ, देखो कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, ये आपका कॉलम से रिलेटेड फार्मूला है, जब आपकी मैक्सिमम जो आपने 0.05 इसेंट्रिसिटी डिजाइन करते हैं, जब इसेंट्रिसिटी के लिए वैल्यू डिजाइन करते हैं उसके लिए फार्मूला यूज में लेना है, जब इसेंट्रिसिटी वाला क्राइटेरिया फेल हो जाता है तब आपको ये अप्लाई करना है, या एक्सेल के लिए डायरेक्टली एक्सेल के लिए फार्मूला अप्लाई करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले कॉलम के वो है, ये डिजाइनिंग वाला पार्ट है बेसिकली, अब इसमें याद करने वाली चीज़ें कम है, ये डिजाइनिंग में है, जब आप क्वेश्चन करोगे बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे डिजाइन करोगे तब काम आते हैं ये फार्मूले, ठीक है ना, ये फार्मूला है। ये कब काम में आते हैं, ये तो आता है नॉर्मल जब आपका रेक्टेंगल सेक्शन हो, ये कब काम आता है जब आपका टेपर सेक्शन हो, मतलब कि रेक्टेंगल ना हो, जैसे मान लो कैंटिलीवर टाइप का सेक्शन दे दिया आपको, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसा कुछ है, ठीक है ना, तो उस केस में जब आपको जैसे मान लो यहाँ पर लोड लग रहा होगा तो उस केस में अगर आपको यहाँ पर स्ट्रेस निकालना है तो कितना होगा यहाँ पर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, उस केस में ये फार्मूला काम में आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट, और जैसे मैंने आपको कॉलम में मैंने बताया था कि जो आप शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करते हो बीम वगैरह में, कॉलम वगैरह मैंने बताया था, कॉलम में मैंने बताया था कि आप वहाँ पर क्या करते हो, लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हो, ऐसी कॉलम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो आप शेयर रेनफोर्समेंट बीम के अंदर, तो बीम में जो शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है तीन तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, वर्टिकल में, इंक्लाइंट में और बेंट अप के रूप में। तो अगर आप वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, वर्टिकल के रूप में आप शेयर रेनफोर्समेंट है तब तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो यूएस का, जब आप इंक्लाइंट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और जब आप बेंट अप के रूप में कर रहे हो तो ये लगा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि जब बेंट अप बार के लिए आप डिजाइन कर रहे हो तो ओनली 50% लोड के लिए डिजाइन करते हैं, मतलब 50% लोड ही आता है बेंट अप के ऊपर, है ना, और बेंट अप को कब डिजाइन किया जाता है, सॉरी बेंट अप का ये है, ये बेंट अप वाला नहीं है, बेंट अप का ये है ना, तो बेंट अप 50% के लिए डिजाइन होता है, और ये किसके साथ में डिजाइन करते हैं, जब आपकी वर्टिकल बार होती है वर्टिकल के साथ में इसको डिजाइन किया जाता है। तो ये फॉर्मूले हैं, ये याद रहने चाहिए आपको, डिजाइनिंग के काम आएंगे, ठीक है। और ये शेयर टोरोजन का केस है, जब टोरोजन के लिए डिजाइन करते हैं तब ये फॉर्मूला अवेलेबल है, 41.3 क्लोज है यहाँ पर अवेलेबल है सारे फॉर्मूले। जो याद करने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं, ये डिजाइनिंग से रिलेटेड है पूरा, इसलिए मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला और क्लोज बता रहा हूँ ये काम के हैं। एक और बता देता हूँ लास्ट टेबल काम की, ये बहुत काम की टेबल है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। टेबल नंबर 22 परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये WSM वाले में आ जाता है, ठीक है ना, WSM में है ये, LSM में नहीं है, WSM में है ये। आपसे पूछा जाता है कि जब माइल्ड स्टील हो, ठीक है, और टेंशन में हो, टेंशन है और माइल्ड स्टील है, तो इसका परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, तो 140 होगा। अब यही वैल्यू 20 mm तक की बाढ़ थी, अगर डायामीटर रेनफोर्समेंट डायामीटर 20 mm से ऊपर हो तो ये 130 होगी वैल्यू, अगर कंप्रेशन हो तो कंप्रेशन 130 होगी वैल्यू, यानी कि कॉलम हो तो कॉलम के केस में तो वैल्यू 130 है, बीम के केस में 140 है माइल्ड स्टील की परमिसिबल वैल्यू, ये टेंशन थी ये कंप्रेशन है। अगर माइल्ड स्टील के अलावा अगर आपने चेंज किया HYSD, HY 230 है, यहाँ पर 230 है लेकिन अब यहाँ पे कॉलम में चेंज हो गई 190 हो गई। तो याद रखना एक तो टेंशन का क्राइटेरिया
और एक कंप्रेशन का क्राइटेरिया, टेंशन के केस में और कंप्रेशन केस में। टेंशन में तो देखो वैल्यू 140 है और कंप्रेशन जाके कम हो रही है, यानी कि जो स्टील होता है वो टेंशन में तो अच्छा है बल्कि कंप्रेशन में ख़राब है ना, तो उल्टा है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट जो भी कोडल प्रोविजंस थे जो आपको याद करने थे, जनरली एग्जाम में पूछा था वो सारे मैंने करा दिए। तो ये आपको लास्ट वाला जो मैंने बताया आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि अगर आपकी टेंशन है और कंप्रेशन है तो देखो टेंशन के केस में 140, कंप्रेशन केस में 130 माइल्ड स्टील, टेंशन के केस में 230 और कंप्रेशन 190 नॉर्मल केस में बता दिया। ये तो माइल्ड के केस में हो गया और ये HYSD के केस में हो गया, ठीक है, 415 के केस में, ये याद रखना है आपको। ये पूरा कोडल प्रोविजन का जो भी मैंने आपको समरी बताई है, टोटल 17 पार्ट हैं, इसकी मैं आपको प्लेलिस्ट बना के अवेलेबल करा दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जल्दी आपके पास में प्लेलिस्ट में अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। क्रैश कोर्स वगैरह भी, क्रैश कोर्स के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जो आपको लगता हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे चाहिए, वो मिल जाएगा। साथ में सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।